कैसे so, हो आप सभी लोग आज जेई मेन का रिजल्ट आया है और काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे ऑब्वियसली जितने हम लोगों ने सोचे थे काफी सरप्राइज मिला एस्पिरेंट्स को लर्नर्स को सो गाइस टुडे वी हैव द ट्विन सरवीदी कुणाल एंड कपिल एंड हैव शौर्य सो so, अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे लाइक हाउ हैज बीन योर जर्नी आप लोग की कैसी जर्नी रही जेई मेन वन के लिए क्या क्या आप लोग के टारगेट्स थे एंड देन वील हॉप ऑन टू दी नेक्स्ट सेगमेंट जहां पे एमबी सर से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर नेक्स्ट अब क्या प्लान है राइट तो स्टार्ट करें दोस्तों चलिए ओके सो सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन हम सभी लोगों की तरफ से

ओके okay. बताओ भाई कुणाल कपिल तुम लोग का क्या स्ट्रेटेजी था सर हमने भी अराउंड थर्टी फाइव प्लस टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस जो असली जे इम्यून टेस्ट थे ठीक है और फिर बाकी इनऑर्गेनिक की थ्योरी थोड़ी ज्यादा पड़ी थी मतलब क्योंकि बहुत बुरा ट्रेंड था पहले के क्वेश्चंस का तो बट इस बार वैसे क्वेश्चंस आए नहीं जिसमें वैल्यूज पूछी थी वगैरह याद तो की थी, थी, थी हमने दिमाग मतलब दिमाग खराब हो गया था सर मतलब इतने सारे ट्रेंड याद करे थे मैंने तो बच्चे से मांग मांग के याद करे थे कि उनसे नोट्स मांग थे ऑर्गेनिक के अपने तो याद कर ही लिए थे और फिर कुछ भी नहीं आया सर एक भी ट्रेंड नहीं आया ये yes, सर सारी सारी एनसीआरटी की टेबल्स से हमने वैल्यूज बना ली थी और उनके ग्राफ बना लिए थे सब एक जगह पूरी एनसीआर इलेवेन्थ मिला के बिल्कुल याद है मुझे बिल्कुल याद है अपन डिस्कस भी करते थे एनसीआरटी की सारी टेबल बिल्कुल भी भी होनी चाहिए तो और कुनाल और कपिल में, बहुत एक्टिव थे। में नहीं है युवराज का भी बहुत वो था मतलब बहुत अटेंटिव रहा है वो देख तो ये तो बात है कि कोई ट्रेंड वगैरह फॉलो तो नहीं हुआ इस बार तो अब सर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जेई मेन को तो अपने को भूलना पड़ेगा क्योंकि सर भूलना ही चाहिए क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना मतलब मैं मेरा मानना यही है कि मैं इनको यही समझा रहा था कि तुम सब टॉप हंड्रेड के कंटेंडर हो और बल्कि मैं तो बोलूंगा टॉप टेन के हो और हाँ लेकिन यही है कि हमें अपनी कमियों पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा ठीक है ना क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है इसका आइडिया तो लग ही गया होगा थोड़ा थोड़ा लेकिन एडवांस में का कंपटीशन जो है ना पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ही होता है Correct. बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के बीच में यहाँ के कंपटीशन में वो भी बाजी मार जाते हैं जो नीट स्टाइल में पढ़ते हैं साल भर करेक्ट और तुम लोगों तुम लोगों ने नीट स्टाइल में तो नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं जानता हूँ ठीक है तुम लोगों ने तो भयानक एडवांस स्टाइल से, से ही पढ़ा है तो तुम्हारा मेन फोकस और मेन ऑब्जेक्टिव ही एडवांस होना चाहिए Correct. बच्चों मस्त होकर के एडवांस की तैयारी करनी है हमको तो सर आप कैसे कराएंगे अपन एडवांस की तैयारी थोड़ा सा बताइए है क्या बात पूछ ली है मेरी फेवरेट चीज़ है वैसे ये <laughs> क्योंकि यही वो समय होता है जिसमें रैंक पलटी जाती है मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि इस समय ये वो समय है जिसमें मैंने रैंक बहुत पलटी है मतलब 500 वाला मैंने देखा हुआ है कि मैंने नहीं बच्चों ने सॉरी देखी है मैंने 50 में 500 रैंक में था पता चला वो 500 एक्सपेक्ट कर रहा था और वो टॉप हंड्रेड में आ गया इस समय कैसे करेंगे ये क्वेश्चन का कुछ कुछ मैं सेंस इसमें बता देता हूँ बाकी तो डिटेल है बहुत ज्यादा तो इनकी प्लानिंग सर हो चुकी है तो आप भी जानते हो प्रशांत सर पूछ जरूर रहे हैं कैसे करेंगे जानते सब है <laughs> तो, कोई नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका डे बाई डे प्लान है फिर इसके बाद इनके हर अल्टरनेट डेज पर टेस्ट होंगे कोई भी इंडिया uh, में कहीं पर भी कोई भी नया क्वेश्चन अगर है अवेलेबल तो वो इनके सामने जरूर आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो क्वेश्चन इनके सामने ना आए इसके भी हम लोगों ने अभी से काम शुरू कर दिया है और अभी से मैं अपनी स्क्रीन पर यही काम कर रहा हूं तब से लगातार डेढ़ घंटे से बैठ करके इनकी प्लानिंग कर रहा हूँ अभी एच ओडीज आए थे तो उनसे यही बात की थी कि हम लोग एक लेवल अप जा रहे हैं मतलब एक लेवल अप जाने का मीनिंग जो लास्ट ईयर हमने जिस तरीके की प्रिपरेशन की थी इस साल हम और ज्यादा रिग्रेस काम करने जा रहे हैं जैसे कि इस बार इनके वीक पॉइंट को पता करने के लिए हम अपने सारे क्लास टेस्ट मतलब आप तेरह तारीख के बाद हर अल्टरनेट डे पे क्लास टेस्ट जोड़ लीजिए एडवांस तक तो आप समझ सकते हैं कितने क्लास टेस्ट हो जाएंगे ठीक है Correct. सारे क्लास टेस्ट की टैगिंग करवा रहा हूं अभी से टैगिंग क्यों करवा रहा हूँ जब इनके मार्क्स आएंगे ना तो मैं एक एक्सेल बनवाऊंगा हर बच्चे के वन टू वन ये मैपिंग होगी किसका कौन सा टॉपिक वीक है उस बच्चे का जो भी टॉपिक वीक है वन टू वन उस बच्चे का वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा और मेक श्योर sure किया जाएगा कि वो टॉपिक उसका इस लायक हो जाए कि एडवांस में क्वेश्चन हो ही जाए मतलब फुल कॉन्फिडेंस तो ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं तो हर टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है अपन मतलब उस पर फुल कॉन्फिडेंस अपन को चाहिए कि हाँ होगा ही होगा प्लस एनालिसिस uh, चल रही है एडवांस के पेपर्स की कल कल मैंने शुरू करवाई थी एडवांस के पेपर की एनालिसिस का मतलब ये है कि वही वाली बात कि यह समझने की कोशिश करना कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए पहले क्या नहीं करना चाहिए तो वो सब भी अजमाना है तो मेन चीज तो यही है सर देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है रिग्रेस एंड स्मार्ट वर्क है ना वही विन करेगा तो रिग्रेस भी करना है और स्मार्ट भी करना है तो जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क अपन कर सकते हैं वही करेंगे तो बच्चों बस इनसे यही कह रहा हूँ हाँ, ठीक मैं है मैंने खुद ने अभी मतलब सर पता है ऑलरेडी क्लास के मोड में आ गए आप सोचो आज सुबह छह बजे साढ़े छह बजे रिजल्ट आया और ये वीडियो शूट किया जा रहा है बारह साढ़े बजे करीब तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कमिटमेंट है जेई एडवांस के प्रति वो कितना सॉलिड है एंड मतलब सर आप, आप ये तुम... समझ लो कि ये क्लास के बीच में आए प्रशांत सर मेरी क्लास exactly, चल रही है बिल्कुल तो सर मेरे हिसाब से है ना अब ज्यादा मैं आपका हर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे से ठीक थी, है सर थी, थी, थी. तो मैं अब यहां से कल्टीवाड़ता हूं फटाफट ऑल द बेस्ट टू ऑल दी लर्नर्स थैंक यू ठीक है सर ओके सर ओके ठीक सर थैंक यू सर जी